Subscribe now our Case Study Circle YouTube channel, only online study, best teaching, best method by Rishab. गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आर के स्टडी सर्कल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स होता है फौहारा, और इसके जो राइटर हैं वो है जेम्स रसल लॉयल। ही वॉज अ फेमस राइटर इन द वर्ल्ड। इनका जन्म 1819 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1891 में हुई थी। आइए अब इस पोएम में जो है उसके बारे में पढ़ते हैं कुछ। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night. अब जो हमारा इसका एक्सप्लेनेशन होएगा वो है, द पोएट सेज दैट इन द सनलाइट द फाउंटेन अपीयर्स वेरी ब्राइट एंड लुक्स लाइक जंपिंग अपवर्ड। इट कंटिन्यू इट्स मोशन फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। ओके हम लोग सेकेंड पढ़ा पढ़ते हैं। Into the moonlight, whiter than snow, वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक वेन द विंड ब्लो। अब हमारा जो इसका एक्सप्लेनेशन होएगा वो है, द पोएट सेज दैट इन द मून लाइट द फाउंटेन अपीयर वाइटर देन स्नो एंड वेन विंड ब्लो इट्स मूव हेयर एंड देयर जस्ट लाइक द फ्लावर मूव इन द विंड। अब आगे पढ़ते हैं थर्ड पैरा में। इन टू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिड नाइट हैप्पी बाय डे। इसका हमारा एक्सप्लेनेशन होएगा वो है, द पोएट सेज दैट एट द नाइट इन द लाइट ऑफ द स्टार्स द फाउंटेन स्प्रे द वाटर विथ इट्स मूवमेंट इट इज हैप्पी इन द डे एंड एट द मिड नाइट एज वेल एज। आगे हमारा फोर्थ पैरा, एवर इन मोशन ब्लाइट सोम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर अ वेरी। अब हमारा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है, द फाउंटेन रिमेनिंग ऑलवेज इन मोशन हैप्पली इट ऑलवेज सीम्स टू मूविंग अपवर्ड विदाउट द फीलिंग ऑफ टायर्डनेस इट ऑलवेज कंटिन्यू इट्स वॉक। अब हमारा जो फिफ्थ पैरा है वो है, ग्लो ऑफ ऑल वेदर स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन बाय रेस्ट। अब हमारा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है, द पोएट डिस्क्राइब दैट द फाउंटेन रिमेन हैप्पी इन द ऑल द सीजन एंड ऑलवेज अपीयर टू बी द बेस्ट इट कंटिन्यूज मूव अप एंड डाउन एंड नेवर टेक रेस्ट बिकॉज इट मोशन इट सेल्फ इज इट रेस्ट। और फिफ्थ पैरा है हमारा, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवर मोमेंट एवर द सेम। हमारा इसके एक्सप्लेनेशन है वो है, द पोएट सेज दैट द फाउंटेन इज ऑलवेज इन द मोशन नेचुरली इट मूवमेंट्स कैन नॉट बी कंट्रोल ड्यू टू मोशन इट चेंज एवर मोमेंट बट स्टिल इट रिमेन द सेम ऑल द टाइम। ओके अब हमारा जो सेवेंथ पैरा है वो है, चीजलेस एस्पायरिंग चीजलेस कंटेन डार्कनेस और सनशाइन दे एलिमेंट। हमारा इसका जो एक्सप्लेनेशन होएगा, इट इज़ एस्पायर टू गो हाई द फाउंटेन इज ऑलवेज सेटिस्फाई इट हैज़ ओवर लास्टिंग टू मूव अप ऑलवेज नेचर ऑफ द मूवमेंट एट एवरी टाइम। आगे जो हमारा लास्ट पैरा है, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हर्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक थी। इसका हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो है, द पोएट एड्रेस द फाउंटेन टू बी द ग्लोरियस फाउंटेन द फाउंटेन इन प्रिएसेवर्थी अकॉर्डिंग टू द पोएट द पोएट वेंट्स टू एक्वायर ऑल दिस क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन
like freshness, constant and aspiring for high goals. ओके, अब हम लोग इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे. आगे सेंट्रल आइडिया पढ़ने हैं. हमारा जो सेंट्रल आइडिया है वो है, इन द पोएम द फाउंटेन द पोएट इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाउंटेन. जो कविता के प्रस्तुत कविता के जो कवि हैं द फाउंटेन, कितने फुहारे के माध्यम से उन गुणों को बताने की कोशिश की है. इट डज इट्स ओन वर्क एंड डज नॉट फील टायर्ड. इट ऑलवेज इन मोशन. इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी. इट लुक्स ग्लैड इन एवरी वेदर. द पोएट विशेस टू बी फ्रेश एक्टिव चेंजफुल एंड कॉन्स्टेंट लाइक द फाउंटेन. द पोएट जेम्स रसल लॉयल हैज़ कंपोज्ड द पोएम. अब हम लोग इसकी हिंदी मीनिंग पढ़ेंगे. स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. प्रस्तुत कविता द फाउंटेन में कवि ने फुहारे के माध्यम से उन गुणों को बताने की कोशिश की है जो एक खुशहाल जीवन जीने के लिए किसी व्यक्ति में होने चाहिए. हर समय तथा हर मौसम में फुहारा प्रसन्न व आकर्षक लगता है. यह हमेशा गतिमान रहता है, मानो इसमें ऐसी स्वाभाविक ऊर्जा हो जिसको नियंत्रित नहीं की जा सकती. ऐसा लगता है कि यह ऊपर की ओर आ जाने के लिए प्रयत्नशील रहता है. कवि फुहारे के इन गुणों की सीख दे रहे हैं. ओके, थैंक्स.